जनपद के दक्षिणी छोर पर स्थित शक्तिनगर में ज्वाला देवी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। नवरात्रि प्रारंभ होते ही मंदिरों को अच्छी तरह से सजाया गया। सुबह 4 बजे भोर से ही मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं और घंटे घड़ियाल के धवने सुनाई देने लगती है और चारों तरफ भक्ति में संगीत बजने लगते हैं। उर्जांचल की राजधानी शक्तिनगर में स्थित माँ ज्वालामुखी देवी शक्तिपीठ में शारदीय नवरात्र पर दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। मंदिर के पुजारी परिवार द्वारा साफ सफाई कर जहां मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, वहीं दूर दराज से आने वाले दर्शनार्थियों के रुकने तथा खाने आदि की सुविधा प्रदान की जा रही है। नवरात्र में मंदिर परिसर के सह के द्वारा अंदर व बाहर माला फूल सहित पूजा के सामानों की दुकानें लगी हैं। नवरात्र में यहां बाहर से आने वाले दर्शनार्थी मंदिर परिसर में अपनी मनोती के पूरी होने पर पुराने बांधे गए नारियल को खोलते हैं और नई मन्नत मांगकर पुनः नारियल बांधते हैं। यहां आने वाले दर्शनार्थी अखंड ज्योति का दर्शन करना नहीं भूलते हैं। ज्वालामुखी मंदिर पर ट्रेन व बस से पहुंचना बहुत आसान है। वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग PWG मोड़ से चंद कदमों की दूरी पर मंदिर स्थित है। श्रद्धालुओं को मंदिर पर आने के लिए ट्रेन व बस सेवा उपलब्ध है। शक्तिनगर रेलवे स्टेशन से मंदिर लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वाराणसी एवं मध्य प्रदेश की ओर से मंदिर आने के लिए बस का साधन उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार 5 प्रदेशों की सीमा पर स्थित माँ ज्वालामुखी मंदिर रिहंद जलाशय में समाहित गहरवार राजा उदित नारायण के राज घराने की कुलदेवी के रूप में उनके द्वारा स्थापित की गई थी। राजा का किला व राजधानी का कुछ भाग जलाशय में डूब गया है। मध्य प्रदेश के सिगरौली जिले में रह रहे इस राज घराने के लोग आज भी माँ ज्वालामुखी को कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण जायसवाल। या ये जो मंदिर है इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? मंदिर है, माता रानी का मंदिर है जो कि बहुत पुराने मंदिर है। यहाँ राज्य में दर्शन करने आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने, जो मन्नत और वो हमें आने में बहुत अच्छा लगता है। नवरात्रि में किस तरह लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन करने में किसी प्रकार की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, दर्शन आराम से दर्शन। माँ ज्वाला देवी के गर्भगृह में मंदिर के पीछे स्थित नीम के पेड़ का स्थापना काल से ही नाता रहा है। जब मंदिर नहीं बना था तब बहुत वर्षों तक माँ का निवास नीम के पेड़ में ही था। धर्म शास्त्र भी बताते हैं कि नीम के पेड़ में ही माँ का निवास रहता है, इसलिए जब दर्शनार्थी माँ का दर्शन पूजन करने जाते हैं तब नीम के पेड़ पर मत्था जरूर टेकते हैं। नीम के पेड़ की पूजा के बाद ही माँ की पूजा अर्चना मानी जाती है। ये हमारी 15वीं पीढ़ी से चली आ रही है, मैं 15वीं पीढ़ी से प्रधान पुजारी हूँ। इसकी जो प्राचीनता है, दो चीजें होती हैं, एक शक्तिपीठ और एक सिद्धपीठ। जहाँ जहाँ माता सती का अंग गिरता गया वहाँ वहाँ देवियाँ पैदा होती चली गई। जो 51 पीठों में एक पीठ यहाँ माता रानी का जिले का अग्रभाग गिरा हुआ प्राप्त हुआ है, वैसे पाठ हुआ है। ये श्रृंगी की तपोस्थली मानी जाती है। पहला खंड यहाँ गिरा हुआ है जेवे का अग्रभाग, दूसरा खंड नेपाल में गिरा हुआ है और तीसरा खंड हिमाचल प्रदेश का भड़ा में, जो ज्वाला जी के नाम से आज भी जाने जाते हैं। तो जहाँ जहाँ माता सती का अंग गिरा वहाँ वहाँ देवियाँ पैदा होती चली गई, इसलिए यह पौराणिक चीज है। अब यह प्रश्न उठता है कि अभी यहाँ पर जहाँ जहाँ माता रानी का अंग गिरा, कड़ा गिरा तो कड़े देवी नाम पड़ा, आंख गिरा तो नैना देवी नाम पड़ा, हार गिरा तो मैहर देवी नाम पड़ा, उसी प्रकार से अगर जिह्वा गई तो जिह्वा देवी नाम पड़ सकता था, लेकिन ज्वालामुखी क्यों पड़ा? क्योंकि मुख को ज्वाला बोलते हैं और यह पूरा परिक्षेत्र ज्वाला लावा के नाम से जाना जाता था, लावा निकलती थी। जब यहाँ लावा निकलना बंद हो गया तो यहाँ की दो विशेषताएं आई कि एक नीम का पौधा हमारे यहाँ है। उस नीम के पौधे की विशेषता है कि जनवरी से दिसंबर तक कोई भी महीना उसमें फल और फूल देखने को मिलता है और उसका बचपना कोई नहीं जानता। दूसरी एक ज्वालामुखी गुफा है, उस गुफे की विशेषता है कि वह जनवरी से दिसंबर तक कोई भी महीना हो उसमें एक सम पानी निकलता है, चाहे जितना वृष्टि हो जाए चाहे जितना अवृष्टि हो जाए। और उस जल की ये है कि वह गंगा जल तो नहीं कहा जा सकता लेकिन गंगा जल के माथित है, क्योंकि आज 7 साल का परीक्षण किया हुआ मेरा है कि उस जल में कभी कीड़े नहीं पड़े, पेट के लिए वह वरदान है। तो यह माता रानी का ये है और इसके बारे में तो जितना गुण गाया जाएगा उतना ही कम है। मंदिर आधुनिक वस्तुकला से निर्मित है।
समीप स्थित कोल परियोजनाओं में प्रतिदिन ब्लास्टिंग होने से धरती हिल जाती है। इसके बाद भी मंदिर का छत खंभा यथावत कायम है। नीम का पेड़ भी मंदिर के गर्भगृह के साथ होने के बाद भी मंदिर की तह में कभी दरार नहीं आई। मंदिर में कई तहखाने हैं। एक तहखाने में ही अखंड ज्योति निरंतर जल रही है। मंदिर का शहर द्वारा आधुनिक है तथा उत्तर का द्वार अति प्राचीन है। मंदिर परिसर में स्थित कई छोटे छोटे मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान है। यहाँ पर आए श्रद्धालुओं का मानना है कि यह मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ पर जो भी आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, चाहे वह संतान प्राप्ति की हो, चाहे वह धमकी हो कि नौकरी की हो या शादी की हो या विवाह की हो, घर गृहस्थी की हो, सारे लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर व माँ के महत्ता के बारे में बताया कि नीम पेड़ के नीचे छोटी सी मंदिर में माँ की प्रतिमा थी। बचपन से माँ की पूजा करता आ रहा हूँ, पर एक क्षेत्र में जो विकास दिखाई दे रहा है वह माँ के चमत्कार का प्रभाव है। दूर दराज से भारी संख्या में दर्शनार्थी अपनी फरियाद लेकर माँ के दरबार में आते हैं। माँ सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। माँ करुणामयी है। सच्चे मन से मांगने पर माँ भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। हर लोगों की तो माँ कुलदेवी है। शुभ कार्य करने से पूर्व माँ का आशीर्वाद लेना हम नहीं भूलते। माँ की महिमा से सारा क्षेत्र जगमगा रहा है। माँ की महिमा के बारे में बताते हुए कहा कि दो लोगों ने माँ के चरणों में अपनी जीवा को काट कर चढ़ा दिया और कुछ मिनटों में जीवा पुनः वापस आ गई। ये जो जैसा कि यहाँ पे पानी की जो विशेषताएं बताई जा रही हैं, जो जल का ये विशेषता बताया जा रहा है, ये क्या क्या कारण है यहाँ पे जल का, क्या मान्यता है इसकी? इसकी मान्यता है कि बहुत शुद्ध जल है, इसको व्यवस्थित रखते हैं तो 4-6 साल तक ये रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। यही इसका, ये आता कहाँ से है पानी, इसका स्रोत क्या है? इसका धरती से ही निकलता है, प्रकृति का ही बनाया है, कोई मानव को बनाया नहीं। इस पानी में जैसे कि यहाँ से लोग पानी दूर दूर तक लेके जाते हैं पीने के लिए, तो क्या इसमें मतलब शुद्ध पानी है? ये शुद्ध पानी है, इसमें कोई वो नहीं है, इससे कोई बीमारी नहीं है? कोई बीमारी नहीं है, ये शुद्ध है।